Hello dear student, welcome to my channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss long run, short run, form as well as group equilibrium under monopolistic competition. Content of today's video is first, briefly I will tell concept of monopolistic competition. Number two things, short run form equilibrium, price and output combination equilibrium under monopolistic competition. And finally, in the long run, form as well as group equilibrium under monopolistic competition. Okay, तो आज का वीडियो में हम monopolistic competition के बारे में डिस्कस करेंगे. It will cover the syllabus of Vinoba Bhave University and Vinod Bihari Mahato Kolanchal University Dhanbad, दोनों का कवर करेगा सेमेस्टर थर्ड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, ये है क्या? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द बैकड्रॉप ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज बीन पुट फॉर्थ बाय ईएच चैम्बरलिन. ओके, चैम्बरलिन द्वारा इस कंसेप्ट को दिया गया है. तो सबसे पहले ब्रीफली हम लोग देखेंगे है क्या. तो एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, एक होती है मोनोपोली. ब्रीफली हम इसके बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन समझने के लिए इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. लेट अस स्टार्ट विद परफेक्ट कंपटीशन. एज यू नो, एवरीबॉडी नो, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स ओके प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, या आप कह सकते हो होमोजीनियस प्रोडक्ट. इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स है जो होमोजीनियस, दैट इज आइडेंटिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है. दूसरा नंबर, किसी भी इंडिविजुअल फॉर्म का कोई प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता है. इट हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. इसमें नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, नो कंट्रोल ओवर प्राइस. ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है भाई, फॉर्म्स होता है इंडस्ट्रीज में जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता है प्राइस पर. ठीक है, सभी को दिया हुआ प्राइस रहता है. ठीक है, उसी पर बेचना पड़ता है. ठीक है, अब नाउ इट इज अ टाइम टू लर्न अबाउट मोनोपोली. एक एक्सट्रीम केसेस है, एक इस इंड पर हम बात कर रहे हैं और मोनोपोली एक सेकेंड इंड है आपका. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड आप काम कर सकते हैं. मोनोपोली में क्या होता है, देयर इज ए सिंगल ओनली वन सेलर. ठीक है, सिंगल सेलर प्रोड्यूस करता है जिसका कोई क्लॉज सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं होता. यहां पर होता है सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, और इसका प्रोडक्ट का कोई क्लॉज सब्स्टिट्यूट नहीं होता. क्यों नहीं होगा भाई? इसलिए नहीं होता भाई, सिंगल सेलर है, एक ही चीज बना रहा है, दूसरा कोई नहीं. जैसे डिफेंस, हमारा गवर्नमेंट जो बनाते हैं डिफेंस, तो कोई दूसरा इसको बनाता नहीं है. ठीक है, वो सिंगल सेलर है. ठीक है, तो नो क्लॉज सब्स्टिट्यूट. और एक
और भी इसके तरीका आप देख सकते हैं, गिरी कंपनी है एसी का, ठीक है, एसी का एयर कंडीशन का गिरी कंपनी है, जो इंडिया में एक व्यक्ति ने इसका, इंडिया श्रीलंका और दो चार नेबरिंग कंट्री हमारा, तो उसका सिंगल सेलर है, ठीक है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर हो सकता है मोर देन वन बट सेलिंग अंडर वन ब्रांड, तो ग्रीक है हमारा जो एसी का है इंडिया में, पहले तो आगरा से आया बाद में सारा इंडिया में, एक ही व्यक्ति है तो उसका मोनोपोली राइट्स है, ठीक है। तो मोटा मोटी हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में देखा, दोनों एक दूसरे से एकदम एक्सट्रीम एज पर, इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसमें क्या है कि एक इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फॉर्म्स होते हैं, इसमें तो बहुत एक ही फॉर्म होते सिंगल सेल है, और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट उपलब्ध होता है, इसमें आइडेंटिकल होता है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इज इनफिनाइट और इसमें जीरो होता है, ठीक है। अब आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कोई नई चीज नहीं है, दोनों का मिक्सअप है, और आई कैन प्रूव एवरीथिंग कैसे है। पहले हम लोग जानते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फॉर्म होता है लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम संख्या में होता है, रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ द फॉर्म एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, तो कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट जो भी बनाएंगे तो लिटिल वेट डिफरेंस होंगे वन मैन्युफैक्चरर टू अदर मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका क्या होता है कि इसमें प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब आपको एक एग्जांपल से हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं, इसमें भी फॉर्म होगा लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होगा, और वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग ब्रांड अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट टू वन 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 अनदर, आप इसका दूसरा कह सकते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी एक बाथिंग शॉप का, बाथिंग शॉप हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, बाथिंग शॉप का एग्जांपल लेते हैं, नहाने का साबुन, ठीक है, बाथिंग शॉप। अब यहाँ नंबर ऑफ ब्रांड है, लक्स है, रेक्सोना है, वाइल्ड स्टोन है, जय है, ब्रिज है, एक्सेट्रा, तो आपको यहाँ पर जब लक्स बेचेगा, ठीक है, तो उसको कंट्रोल जो उसका प्राइस जो लक्स ब्रांड है जो भी मैन्युफैक्चरर है लक्स का, उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है अपने प्राइस का सेटअप करने के लिए, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दैट मींस प्राइस ऑफ लक्स का, ठीक है। तो यहाँ तो इसका एलिमेंट दिख रहा है, अगर लक्स का हम एग्जांपल ले रहे हैं लक्स साबुन जो शॉप का, तो जो भी इसका दूसरा कोई व्यक्ति लक्स ब्रांड नाम से प्रोडक्ट जो साबुन का मैन्युफैक्चरिंग शॉप का मैन्युफैक्चरर है, वो लक्स ब्रांड के नाम पर दूसरा कोई बेच नहीं सकता है, पहला बात। लक्स के ब्रांड का जो साबुन मैन्युफैक्चरर है उसका कंप्लीट कंट्रोल है ओवर द प्राइस, कंप्लीट नहीं लेकिन लिटिल बिट मैंने स्मॉलर डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लाइक दैट इज लक्स। तो यहाँ पर मोनोपोली का भी कुछ एलिमेंट आ गया। अब एट द सेम टाइम उसी लक्स ब्रांड का जो भी ब्रांड बेच रहा है मैन्युफैक्चरर, उसको ही हैज फेस अ स्टीप कंपटीशन विद अदर मैन्युफैक्चरर ऑफ द बाथिंग शॉप लाइक वाइल्ड स्टोन हो गया, ब्रिज हो गया, रेक्सोना हो गया, जय हो गया, बहुत सारे साबुन है, लेकिन उसको एक तरफ तो उसका कुछ तो कंट्रोल है अपने प्राइस पर, वो पैकिंग करके वो बना सकता है, दूसरी तरफ उसको कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है लाइक द परफेक्ट कंपटीशन, जब उसको कुछ कंट्रोल ओवर प्राइस पर है लाइक ए मोनोपोली, तो दोनों का मिक्सअप है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इसमें एडवर्टीजमेंट पर भी खर्च किया जाता है अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो और जितना भी बाथिंग शॉप है तो क्रिएट किया जाता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट है, कैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्रिएट किया जाता है, फर्स्ट है फिजिकल फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ, उसको डिजाइनिंग वगैरह कर दिया जाता है, दूसरा आप कह सकते हो कि
सराउंडिंग अराउंड द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे आपका एक पर्टिकुलर शॉप है, बढ़िया एसी लगा हुआ है, दूसरा में कुछ स्कीम वगैरह दे रहा है बोनस पॉइंट, और एक कुछ नहीं दे रहा है, इससे भी क्रिएट होता है, प्लस रेंडरिंग सर्विस एक अच्छा दे रहा है, दूसरा एरिया की लोकेशन, बहुत सारे चीज से भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। तो अब आप देख सकते हो और आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कि इसमें मेजर फैक्टर है कि दोनों का मिक्सअप है। ये परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, और ये इट रिप्रेजेंट मोर रियलिस्टिक इकोनॉमिक्स वर्ल्ड जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्योर परफेक्ट कंपटीशन और प्योर मोनोपोली देखने को कम रेयर केसेस होते हैं, लेकिन ये क्या कह सकते हैं, ये ज्यादा केसेस हम लोग एवरीडे वी फेस, ठीक है। नाउ इज अ टाइम टू लर्न नेचर ऑफ एआर एंड एमआर कर्व अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलना पड़ेगा परफेक्ट कंपटीशन में, थोड़ा सा कंपैरिजन स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन से तुलना करके तेरा समझने में ज्यादा आसानी होगा। अब किस तरह कर्व होता है, तो पहले हम लोग सबसे पहले मूव करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से, तो डिमांड कर्व, ओके, अ फर्म फेसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ए परफेक्टली इलास्टिक, ओके, इलास्टिक होता है, बिकॉज इट हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इसलिए इलास्टिक होता है कि इसका जितना इसका प्राइस पर अंडर द परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म्स होते हैं उसका प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, दैट्स द व्हाई डिमांड कर अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन मर्जरिंग विद एमआर, ठीक है, एआर इक्वल टू एमआर होता है जो मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू होता है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन लाइन के लिए, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, यहां पर आप क्वांटिटी आप मेजर करते हो क्वांटिटी, और यहां पर प्राइस या कॉस्ट एंड रेवेन्यू भी कर सकते हो, कॉस्ट एंड रेवेन्यू हॉरिजॉन्टल होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका कोई कंट्रोल कोई भी फॉर्म का इंडिविजुअल फॉर्म का जो रूलिंग मार्केट प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, अगर वो प्राइस जरा सा भी आगे बढ़ाएगा, ठीक है, इसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है AR इक्वल टू MR इक्वल टू AC इक्वल टू MC, तो सारा चीज होगा, अगर वो अपना प्राइस को जरा सा लोअर करेगा तो एवरेज कॉस्ट नहीं वो कवर कर पाएगा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ाएगा कोई लेना नहीं चाहे, ठीक है, क्यों आप सारा कोई भी कितना भी इसमें फॉर्म हो अंडर इंडस्ट्री में, तो ज्यादा प्राइस पर कोई भी कस्टमर लेना नहीं चाहे, कम करेंगे आप तो एवरेज कॉस्ट नहीं कवर कर पाएगा, किस तरह का होते हैं हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। नाउ इट इज अ टाइम टू लर्न अबाउट मोनोपोली। तो मोनोपोली में क्या है कि कुछ एलिमेंट होती है अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओके, इंडिविजुअल फॉर्म हैज सम कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ओके, कुछ कंट्रोल होता है प्राइस ऑफ इसके प्रोडक्ट पर, ओके, दैट्स द व्हाई ही कैन चेंज द प्राइस इन ऑर्डर टू प्रमोट हिज सेल, ठीक है, अपने सेल को बढ़ाने के लिए करता है, व्हेन इट रेजेस द प्राइस ऑफ इट प्रोडक्ट डेफिनेटली इट विल गेट सम कंज्यूमर, इट्स कंज्यूमर स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट एंड स्टार्ट परचेजिंग अदर प्रोडक्ट। जैसे ये प्राइस को रेज करेगा तो इसका कुछ कस्टमर चला जाएगा, सम कस्टमर ऑफ इट्स प्रोडक्ट विल मूव अवे, ठीक है, एंड दूसरे मैन्युफैक्चरर से लेना शुरू करेगा, जैसे लक्स का दाम का पढ़ा दिया तो उसके जो सब्स्टिट्यूट में उपलब्ध है तो उस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड
of its product will fall. जैसे ही प्राइस को ऊपर करेगा इसका क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. और व्हेन इट लोअर द प्राइस ऑफ इट प्रोडक्ट ओके इट विल गेट सम न्यू बायर ऑफ अदर वैरायटी ऑफ अदर प्रोडक्ट विल स्टार्ट परचेजिंग इट्स प्रोडक्ट. और जैसे प्राइस को नीचे करेगा डाउन करेगा लक्ष्य तो दूसरा प्रोडक्ट जो इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट में रेक्सोना वगैरह का भी खरीदना शुरू कर देगा. तो एज ए रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट प्रोडक्ट विल राइज. ठीक है, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड रूल काफी तरह से लागू हो रहा है. तो आप यहां देख सकते हो डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, ये इस तरह डीडी होता है डीडी. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हम अज्यूम करते हैं क्यू टी. जैसे ही इसका प्राइस हम बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर जाता है, घट जाता है. ठीक है, और जैसे ही हम इसका प्राइस से घटा देते हैं टी डबल डाई वैसे ही इसकी क्वांटिटी डिमांडेड पकड़ जाता है. ठीक है, तो अब एवरेज और रिव्यू कर्व अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखेंगे. यहाँ कॉस्ट रिवेन्यू माप रहे थे, रेवेन्यू एंड आउटपुट. ए आर बोथ ए आर एंड एम आर कर्व स्लोप डाउनवर्ड ओके एंड एम आर कर्व लाई बिलो ए आर कर्व. दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है वेरी सिमिलर टू कॉस्ट रेवेन्यू कर्व ऑफ मोनोपोली. और दोनों गिरता है ये नीचे होता है. ठीक है, ए आर लाई बिलो ए आर कर्व. ठीक है, तो ये इसका क्या कह सकते हैं ये कर्व का स्ट्रक्चर होता है अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. अब नाउ इट इज अ टाइम टू लर्न शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम फॉर्म इक्विलिब्रियम दैट इज आउटपुट एंड प्राइस इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. शॉर्ट रन भी आप शॉर्ट रन हम लोग देखेंगे, उसके बाद लॉन्ग रन में मूव करेंगे. शॉर्ट रन फॉर्म्स फॉर्म इक्विलिब्रियम इसको बहुत चीज जानने की जरूरत है. शॉर्ट रन फॉर्म्स इक्विलिब्रियम. ठीक है, शॉर्ट रन में फॉर्म का कैसा इक्विलिब्रियम होता है, फिर लॉन्ग रन में ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल लॉस ओके इन द शॉर्ट रन. It completely depend upon the cost condition of form in question. ये cost condition जिस तरह का form का होगा short run में हम बात कर रहे हैं, तो तीन तरह की situation हो सकते हैं. पहला हो सकता है super normal profit. ठीक है, फिर दूसरा condition दूसरा हो सकता है condition या cases normal profit. और एक तीसरा हो सकता है सुपर नॉर्मल लॉस सुपर नॉर्मल लॉस. ठीक है, थ्री कंडीशन हो सकता है. इन द शॉर्ट रन अब फॉर्म वर्किंग अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज टू चूज प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन व्हिच मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर profit maximizing under the monopolistic competition is the same okay
as in the monopoly. MR equal to MC. ठीक है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का. लाइक जैसा कि हम लोग जानते हैं कैसा मोनोपोली में भी होता है, पहली बात. दूसरी बात है कि शॉर्ट रन में एक फर्म तीन तरह का सिचुएशन फेस कर सकता है. ये इसका कॉस्ट कंडीशन पर डिपेंड करता है. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है, एंड सुपर नॉर्मल लॉस हो सकता है. ठीक है, तो दो चीज जान गए. अब हम लोग तीनों केस में देखेंगे. और हमेशा याद रखना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन अंडर द मोनोपोलिस्ट मोनोपोलिस्टिक अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज MR इक्वल टू MC. या हमेशा याद रखिए MR इक्वल टू MC. अब इन केस फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे. केस नंबर वन इसको कह सकते हैं, कहेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है. अब इसमें क्या होता है वो हम लोग ग्राफ से देखेंगे. एक्स और वाई एक्सेस आउटपुट हेयर कॉस्ट एंड रेवेन्यू. हम लोग भली भांति परिचित है एआर एमआर कर्व अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. शॉर्ट रन एमसी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट. ये यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है. क्यू यहां जाएगा, ये प्राइस एस ए सी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है, ये प्राइस आर एस पी. ठीक है, ये जो आपका साइडेड पार्ट्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को दर्शा रहा है. आप देख सकते हो कि पहला कंडीशन क्या, एम आर इक्वल टू एम सी. ठीक है, तो एस एम सी कर दिए, मान के इसको मान के चलो एम सी समझने के लिए. एम सी जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, किस ए आर एम आर को वो इंटरेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पर. ठीक है, तो इससे प्राइस निर्धारित हुआ और एसी कर्व इस प्राइस को यहाँ काट रहा थी. मतलब ये जो पार्ट्स है डिफरेंसेस बिटवीन प्राइस एंड एएससी दैट मींस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट. ठीक है, तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. नाउ इट इज अ टाइम टू नॉर्मल प्रॉफिट. केस नंबर टू, नॉर्मल Y output cost and revenue. ठीक है, सिमिलर होगा सारा चीज. ठीक है, ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम बनेगा. ठीक है, प्राइस आपका यहां पी हो गया. अब जो शॉर्ट रन एवरेज जो कॉस्ट है वो इसी पॉइंट पर करेगा एस एम एस ए सी शॉर्ट रन. ये पॉइंट पर कर रहा है मान के चलिए आर, तो प्राइस ये निर्धारित हो रहा है, ये आउटपुट हो रहा है, यहां पर फॉर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है. ठीक है, अब यही नॉर्मल प्रॉफिट अर्न है जहां पर ए सी इक्वल टू प्राइस. ठीक है, प्राइस इक्वल टू
एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगा, तो वहां पर नॉर्मल प्रॉफिट अक्कर होगा, ठीक है। और सुपर नॉर्मल लॉस देखेंगे, सुपर नॉर्मल लॉस आउटपुट कॉस्ट एंड रेवेन्यू मार को ये शॉर्ट रन एसएमसी काटा, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इस बिंदु पर, ठीक है। प्राइस आपका यहां डिटरमिनेशन होगा। अब यहां मान के चलिए एसएसी, ठीक है, यहां पर काट रहा है इसको, ठीक है। तो ये जो साइडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है सुपर नॉर्मल लॉस का, क्योंकि यहाँ पर प्राइस आपका देखिए इस पॉइंट पर पी कर सकते हैं, ओपी या कर सकते हैं इसको भी, आर क्यू में है, और उससे ज्यादा मात्रा में एवरेज कॉस्ट गिर रहा है शॉर्ट रन में, जिसके कारण इतना बराबर लॉस हो रहा है। तो ये थर्ड केस नंबर थर्ड हो गया, ठीक है। And now it is a time to learn long run form as well as group equilibrium under the monopolistic competition. तो इसको शुरू करने से पहले आप group और industries में थोड़ा सा मतलब आप समझ लेंगे हम लोग, उसके बाद उसको long run form as well as group equilibrium under the monopolistic competition के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिप्रेजेंट करता है मोर रियल इकोनॉमिक्स वर्ल्ड को, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं। तो द वर्ड इंडस्ट्रीज, द वर्ड इंडस्ट्रीज, द वर्ड इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स producing identical product, या you can see आप यू भी कर सकते हैं homogeneous product, homogeneous product, ठीक है। इंडस्ट्री में जितना भी फॉर्म्स है, अगर homogeneous product, अगर वो product मतलब identical product, एक ही product का वो production करता है, तो हम लोग उसको कहते हैं इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिक्स। बट ग्रुप, ग्रुप इन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू ई एस चैंबरलेन आर कलेक्शन ऑफ फॉर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप दैट आर क्लॉज सब्स्टिट्यूट टू वन अनदर। ये भी करेगा, लेकिन ये किस किस तरह के करेगा, हेट्रोजिनिटी प्रोडक्ट करेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करेगा जो क्लॉज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, जैसे लक्स और रेक्सोना का मैंने बताया था उस तरह होगा कि ये ग्रुप होता है। तो अंडर द मोनोपोलिस्टिक लॉन्ग रन में फॉर्म और ग्रुप का इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों का कंडीशन एक ही है, वही कंडीशन लागू होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन MR इक्वल टू MC एंड इन द लॉन्ग रन फॉर्म्स एज वेल एज ग्रुप मेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट एंड प्राइस इज हायर देन परफेक्ट कंपटीशन एंड आउटपुट इज अ स्मॉलर इन कंपैरिजन टू परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस ज्यादा होगा आउटपुट कम होगा, ठीक है, और लॉन्ग रन में
group or एक individual form केवल normal profit ही earn करेगा. अब क्यों करेगा? Reason भी है इसका. अगर कोई मान के चलिए group में अगर super normal profit मान लेंगे, group में अगर super normal profit है under the monopolistic competition में normal profit, ठीक है, तो इससे अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करेगा अदर फॉर्म्स को, तो वो इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करेंगे. ठीक है, इंडस्ट्रीज को जैसे ज्वाइन करेंगे तो प्रोडक्शन जो आउटपुट का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो रिस्टोर मूव किधर कर जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ. ठीक है, अब जैसे ही सुपर लॉस, सुपर नॉर्मल लॉस होगा तो क्या करेगा कि जो जिसका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है एवरेज कॉस्ट फॉर्म को, तो वो छोड़ना शुरू करेंगे ग्रुप को. तो उससे क्या होगा कि जब जिसका कॉस्ट ज्यादा है उस फॉर्म को प्रोडक्शन करने में, वो ग्रुप को छोड़ेंगे. ग्रुप को छोड़ने से आउटपुट का लेवल गिरेगा, फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट पर रिस्टोर हो जाएगा. तो इन द लॉन्ग रन our firm as well as group working under the monopolistic competition earn only normal profit. Got it? अब हम ग्राफ से देख लेंगे, बाकी सारा कंडीशन वही होगा, MR equal to SA. आउटपुट कॉस्ट एंड रेवेन्यू LMC, long run marginal cost. LAC, long run average cost. इस पॉइंट पर आर पर कर रहा है, यू कैन सी ओनली फॉर्म एज वेल एज ग्रुप अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट. यहाँ सिंपल है, इस पॉइंट पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन फुलफिल हुआ, MR equal to MC. देखिए LMC काट रहा है, यहाँ पर किसको काट रहा है, MR को, ये प्रॉफिट यहाँ से, प्राइस यहाँ से इतना डिटरमाइन हुआ, और यहीं पर एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज कॉस्ट इक्वल टू प्राइस, जनरेटिंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, एवरेज कॉस्ट को कवर कर रहा है. तो ये था लॉन्ग रन फॉर्म एज वेल एज ग्रुप इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. एंड आई होप एवरीबॉडी गॉट द थिंग कंसेप्ट आई वॉन्टेड टू टीच अंडर द वीडियो. एंड शेयर माई वीडियो विद दोज हु आर परसुइंग BA Economics honors from BBU Hazaribag and Vinod Bihari Mahato Koyalanchal University Dhanbad. Okay. And thanks for watching my video till end. Jai Hind.